यह बात है 1935 की, जब रॉबर्ट विक्टर गोडैड अपने विमान हॉकहार्ट के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे और जब वो स्कॉटलैंड से अपने देश इंग्लैंड की तरफ जा रहे थे, तब उन्होंने अपने रोज के रास्ते को छोड़कर एक अनजान रास्ते से जाने का फैसला किया। और जिस रास्ते से वो जाने वाले थे वो एक बंद पड़ा हुआ एयरबेस था, जहां पर उन्हें बहुत ही भयानक तूफान का सामना करना पड़ा, जिससे उनका विमान पर से कंट्रोल खोने लगा और उनका विमान जमीन की तरफ गिरने लगा, जिसे उन्होंने बड़ी मुश्किल से संभाला। लेकिन जब उन्होंने उस बंद पड़े हुए एयरबेस को देखा तो वो बिल्कुल चालू था, जहां पर चार पीले रंग के विमान खड़े हुए थे जो दिखने में काफी ज्यादा आधुनिक लग रही। लेकिन उस घटना के 4 साल बाद यानी कि 1940 में फिर से उसी एयरवेज पे गए, जहां पर उन्होंने 4 पीले रंग के विमानों को देखा जिसे उन्होंने 4 साल पहले उस जगह पे देखी थी।